आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसको आप इस फेस्टिव सीजन में बना सकते हैं और बना के आप इसे 10 से 15 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ नमक पारे 3 अलग फ्लेवर्स में। तो आपको बेस तो एक ही करना पड़ेगा, बट उसमें हम अलग अलग फ्लेवर्स डालेंगे। खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बनाना भी बहुत आसान है इन्हें, और आप अपनी किसी भी हाउस पार्टी या ताश पार्टी में इसे रख सकते हैं एज अ मंचिंग स्नैक। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है ये। तो इसके लिए अब हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें ले लेना है मैदा। आप अगर यहाँ पे मैदा ना लेना चाहें तो आप आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हाफ आटा और हाफ मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे अभी सिर्फ मैदा यूज़ कर रही हूँ। 2.5 कप यहाँ पे मैं मैदे का डाल रही हूँ। आपके पास मेजरिंग कप्स ना हो तो किसी भी एक कटोरी का आप नाप रख लीजिएगा। 2.5 कप मैदा डालने के बाद फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, यहाँ पे मैं 1 सवा चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ और ये चम्मच भी छोटा वाला है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम ऑयल। ऑयल यहाँ पे आपको 5 से 6 चम्मच डालना है। आप देख सकते हैं कि ये छोटा वाला चम्मच है जो किचन में यूज़ होता है। अगर आप बड़ा वाला टेबल स्पून यूज़ कर रहे हैं तो वो आप 4 चम्मच डालिएगा। ये छोटा वाला चम्मच है तो यहाँ पे मैं 6 चम्मच डालूंगी। अब हम ये जो मैदा है इसको अच्छी तरीके से हाथ से मसल लेंगे। जो तेल है इसको हमें बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। तो आप हाथों से इसको अच्छे से मसल लीजिएगा। आप चाहें तो दोनों हाथों से भी इसको इस तरीके से कर सकते हैं ताकि पूरा ऑयल जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ऑयल इतना होना चाहिए कि ये हाथ में अगर हम तेज से दबाएं तो ये एकदम बंध जाए। तो अभी ऐसा नहीं हो रहा था तो इसलिए यहाँ पे मैं 2 चम्मच ऑयल के और डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से ऑयल एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको दोबारा हम अच्छी तरीके से हाथ से मल लेंगे और बस जब ये अच्छे से इस तरीके से दबाने से बंध जाए, दैट मीन्स अब इसमें मोइन एकदम ठीक है। ये देखिए, ये इस तरीके से बंध रहा है ना, दैट मीन्स अब ये बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं नींबू। आधा नींबू का रस इसमें हम डालेंगे। इससे क्या होता है ना, इससे एक तो क्रिस्पी बहुत बनते हैं और दूसरा ये है कि अगर आप डिब्बे में बंद करके भी रखेंगे ना तो तेल की स्मेल नहीं आएगी। नहीं तो कई बार होता है कि 10-15 दिन जब हम नमक पारे या मठियाँ रखते हैं उसमें अजीब सी तेल की स्मेल आने लगती है, तो वो स्मेल नहीं आएगी ऐसा करने से। बस नींबू डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए जैसे हम आटा लगाते हैं बस वैसे ही इसको हमें गूंथ लेना है। बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं रखिएगा, इसको हमें नॉर्मल सॉफ्ट सा आटा गूंद लेना है इसका। इसके बाद फिर इसको ढक के हम 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। 10 मिनट के बाद कपड़ा हटाइएगा और एक बार फिर से इसको हाथ से ऐसे आप मल लीजिएगा। इसके बाद फिर इसको हमें डिवाइड करना है। तो आप जिस भी साइज़ के पेड़े रखना चाहते हो आप वैसे रख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो एक ही बड़ा स्लैब में अगर आप बेल सकते हो तो वैसे बेलिए। मैं जितना हम पराठे की लोई लेते हैं ना उससे बस थोड़ी सी बड़ी रख रही हूँ क्योंकि मैं पट्टे में ही बेलूँगी। अब मैं पट्टे में क्यों बेलूँगी वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो आपको इस तरीके से लोइयाँ बना के सारी तैयार कर लेनी है। इसके बाद अब हम दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल रख देंगे क्योंकि जब तक हम बेलेंगे तब तक तेल भी गर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको एक बार हाथ से दोबारा रोल करके इसको बेल लीजिएगा। इसको हमें एकदम पतला बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है इसको। तो हम एकदम पतला बेलेंगे। अब मैं इसको पूरे पट्टे के साइज़ का गोल और बड़ा बेल लेती हूँ। तो इस तरीके से आप भी इसको बेल लीजिएगा। बेलने के बाद फिर इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। पतली पतली स्ट्राइप्स इसकी कट करनी है हमें, जिस तरीके से आप देख रहे हैं बस आपको वैसे ही करना है। इसके बाद फिर दूसरी तरफ से भी कट करेंगे तो ये छोटे छोटे हमें स्क्वायर्स में मिल जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से बस आपको कट कर लेना है। अब इसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे। अब मैंने पट्टे में यहाँ पे क्यों बेला था, पट्टे में बेलने का फ़ायदा ये होता है कि आप सीधे पट्टा उठा सकते हैं और तेल के पास जाके सीधे ऐसे निकाल सकते हैं, कोई झंझट नहीं होता। क्योंकि अगर आप स्लैब में बेलेंगे ना तो जब उसको निकालना होता है ना तो कई बार ये रोल हो जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कई बार शेप भी बिगड़ जाता है। तो इसलिए मैं पट्टे में करती हूँ ताकि वो किया और डायरेक्टली हमने तेल में डाल दिया।
अब तेल हमने पहले तो अच्छा गरम किया था, उसके बाद ये डालने से पहले जो तेल है इसको हम मीडियम फ्लेम में कर देंगे, और डालने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम में तेल हम रखेंगे और उतने में ही हम इसको फ्राई होने देंगे जब तक ये इस तरीके से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जब ये हल्की हल्की सी रेड होना स्टार्ट हो जाएंगी तो आप इसको लगातार चलाते रहिएगा, इससे क्या है कलर इवन आएगा। नहीं तो कई बार होता है एक साइड ज़्यादा डार्क हो जाती है, एक साइड लाइट रह जाती है, तो इसलिए जब ये रेड होना स्टार्ट हो तो उस टाइम पे आप इसको लगातार चलाते रहिएगा, और बस जब ये अच्छा कलर आ जाएगा तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। और इसको निकालने के बाद जो बाकी बैचेस हैं वो भी हम सेम इसी तरीके से कर लेंगे, पहले बेलेंगे और उसके बाद सेम इसी तरीके से हमें फ्राई कर लेना है सभी को। इसके बाद जब सारी फ्राई हो जाएंगी तो उनको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक हम प्लेन रखेंगे और जो दूसरा पार्ट है उसमें हम सबसे पहले डालेंगे पेरी पेरी मसाला। अगर आपके पास पेरी पेरी ना हो तो यहाँ पे आप जो मैगी मसाला आता है ना, जो येलो से पैकेट आते हैं मसाला है मैजिक मैगी का, आराम से इजली अवेलेबल होता है, वो ले लीजिएगा, वो डालेंगे। उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है मैंने, और ये तीनों चीज़ें डाल के इसको हम अच्छी तरीके से शेक कर लेंगे। और ये देखिए ये बढ़िया से हमारे पेरी पेरी नमकीन तैयार हो गया है। इसे हम किसी दूसरे बाउल में या एयर टाइट कंटेनर में पैक करके 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब ये तो हो गया एक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वाला फ्लेवर बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है चटनी पुदीना मसाला, ये इजीली अवेलेबल होता है। अगर ये ना हो तो आप पुदीने का जो पाउडर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये वाला यूज़ किया है, ये आराम से आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी चाट मसाला पाउडर, 2 चम्मच के करीब चाट मसाला पाउडर डाल दें और बस इसको हम अच्छी तरीके से शेक कर लेंगे। मैंने नमक अलग से नहीं डाला है क्योंकि जब आटा हम गूंथ रहे थे तब भी हमने नमक डाला था तो वो कई बार ज़्यादा हो जाता है, तो नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये हमारा एक और फ्लेवर तैयार हो गया है, एक हमने प्लेन बनाया है, दूसरा हमने बनाया है पेरी पेरी, और तीसरा ये हमने बनाया है पुदीना। तो तीनों ही फ्लेवर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इस फेस्टिव सीज़न। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है पेज को तो पेज को फॉलो ज़रूर करें।